गुरु गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जो तो जिने वर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को वारंबार नमस्कार। श्री मालारोण जी मंगलाचरण तुम कर वेदंती शुद्धात्मित प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ साधम ज्ञानं वयं सम्यक्ति दर्शने त्वं सम्यक्ति चरणं चेतन्निरूपम्। बोलिए सहर्ष में श्रद्धात्मि देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गत आरंतरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिन वैष्णव की जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो अपनी स्वसत्ता में आनंदित है और ज्ञान का स्वभाव तो आनंद में विलास करने का ही। ज्ञान कभी भी अपने ज्ञान में आनंद स्वभाव से विलग या अलग नहीं होता। ज्ञानी भी कभी अपने आनंद से अलग नहीं होता या ये कहो ज्ञान भी कभी अपने आनंद से अलग नहीं होता। तो भैया फिर आनंद की कमी आती किसे? फिर आनंद घटता किसका है? आनंद घट किसका रहा भैया? जब ये आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानी का स्वभाव आनंद में है, ज्ञान का स्वभाव आनंद में है, तो फिर आनंद घट किसका रहा भैया? आनंद सिर्फ उसका घट रहा है जो अपने ज्ञान के ऊपर से दृष्टि हटा रहा है। ज्ञानी का एक ही काम है भैया, सिर्फ क्या काम है भैया ज्ञानी का? जोयो जोना। क्या जोना भैया? भैया जोना है उसका काम। क्या जोना? अपने स्वभाव को जोना उसका काम। अब जिस ज्ञान का काम, जिस ज्ञानी का काम अपने स्वभाव को जोना है, अपने शुद्ध स्वरूप को जोना है, यदि वो ज्ञान कहीं और जुड़ेगा, कहीं और अपना जुड़ान करेगा, तो भैया उसका आनंद घटना स्वाभाविक है। ये आनंद कब घटता है? क्योंकि ज्ञानम कमल साहब, यदि ज्ञान निर्लिप्त है, ज्ञान निर्विकार है, तो भैया आनंद की कमी कब आ सकती है? निर्विकार और निर्विकल्प में तो आनंद परिपूर्ण है। निर्लिप्त और निराकार अपने आत्म स्वभाव में तो आनंद भरा पूरा है। इस समय आनंद की खान है मेरा आत्मा। इस समय सुख स्वरूप विलसता हुआ चेतन में परिपूर्ण परमात्मा है मेरा आत्मा। अब बता भैया, ऐसे आनंद के सरोवर में, ऐसे आनंद कंद में आनंद की कमी कैसे आ सकती? घट कैसे सकता है? आप आनंद ही चाहते हैं ना? त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं वो सुख को ही चाहते हैं ना? इस त्रिकाल में जितने भी भव्य आत्मा है, जितने भी जीव हैं, उन्हें सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ना? अब जब इस त्रिकाल में, इस त्रिलोक में समस्त जीवों की अंतर से जो उनकी परिणति है, अंतर से जो उनका परिणाम है, वो मात्र सुख को लेके ही उद्वेदित अर्थात ऊपर की ओर उठता है,
भैया हमें सुख की चाहना है, हमें सुख चाहिए, हमें सुख प्राप्त करना है भैया, लेकिन संसारी अज्ञानी जीव उस सुख को भौतिकता में खोजता है, पुत्र परिवार में खोजता है, संयोग और संयोगी भाव में खोजता है। तो भैया वो तो मूढ़ है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, उसकी तो यहां चर्चा नहीं चल रही। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मा को आत्मा रूप पहचानने वाले भव्य जीव है, वह भव्य जीव तो जानते हैं ना, भी क्या जानते हैं वह भव्य जीव तो जानते हैं ना कि वो आनंद स्वरूप आत्मा, वो सुख स्वरूप आत्मा, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरे ज्ञान का स्वभाव। अब यदि ऐसे जानने वाले भव्य जीवों के हृदय से आनंद की कमी होती है तो क्यों होती है? जो नहीं जानते, जिन्हें पुद्गल के आश्रित आनंद है, तो भैया उनके पास भौतिक वस्तुएं कम होंगी तो उन्हें दुख महसूस हो, उनकी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, उनकी मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो उन्हें वेदना और आकुलता होगी। उनका आनंद घटना भौतिक वस्तुओं पर डिपेंड करता है। लोके संसारिक जीव का आनंद घटना, उसका उत्साह घटना, उसे लौकिक भौतिक वस्तुओं पर निर्धारित करता है। अब आत्मज्ञानी जीव को, जिसका ज्ञान ही आनंद स्वरूप है, जिसका ज्ञान ही सुख स्वरूप है, ऐसे सुख स्वरूपी आत्मा को जानने वाले ज्ञानी जीव का आनंद तो स्वतंत्र है, वो तो इंद्रिय आश्रित नहीं है, वो तो भौतिक पदार्थ के आश्रित नहीं है, वो तो पर पर्याय के आश्रित नहीं है। अब ऐसे ज्ञानी का आनंद क्यों घटता है भैया? और ज्ञानी का आनंद कब घटता है? आत्मा को जानने वाले जीव का आनंद कब घटता है ये बताओ, बताओ बताओ भैया बताओ। ज्ञानी का आनंद कब घटता है ये बताओ, घटता ही नहीं है। और यदि अपन आत्मा को जानते हैं, अपन भी ऐसे चेतन तत्व को पहचानते हैं, अपन भी यदि इन पुद्गल अचेतन परमाणुओं से भिन्न निराकार गुप्त ज्ञान में प्रकाशक अपनी ध्रुव चेतन ज्योति को जानते हैं, यदि अपन ने पहचान लिया कि अप्पा अप्प सहा आत्मा आत्म स्वरूप वाला है, आत्मा अपने आत्म रूप वाला है, आत्मा में आत्मा का अनंत अतीन्द्र सुख विलास कर रहा है, अरे इन पुद्गल सर्व परमाणुओं से भिन्न, अरे भाषा वर्ण से भी भिन्न, वो विज्ञान में स्वभाव जैवंत हो रहा है, अपनी ज्ञान ज्योति में प्रकाशवान हो रहा है। जब ऐसे गुण और सूक्ष्म रहस्य को जब अपन जानते हैं, ऐसे गुण और सूक्ष्म रहस्य जब अपनी दृष्टि में है, तो भैया अपना वह परम सुख, अपना वह अतीन्द्रिय आनंद, वह अपने अनंत गुणों का उद्घोषक, अपना अतीन्द्रिय स्वभाव अपने सामने होने के बाद अपना आनंद कब घटता है ये बताओ, अपना आनंद कब घटता है और क्यों घटता है कोई जवाब? अच्छा या हकीकत सच्चाई तो सिर्फ यही है कि ज्ञान का आनंद या ज्ञानी का आनंद कभी घटता नहीं है, वो घट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही आनंद है, ज्ञानी का स्वभाव ही आनंद है, ज्ञान का स्वभाव ही सुख का वेदन करना है। ज्ञान वेदन करता है लेकिन सुख का वेदन ही करता है, लेकिन इस साधक भूमिका में वह सुख घटता कब है, अर्थात वह आनंद कब कम कब होता है? या इस साधक की भूमिका में, इस श्रावक की भूमिका में वह आनंद कम तब होता है, वह आनंद घटता तब है जब ये जीव अपने ही ज्ञान का आश्रय छोड़ के ऊपर पर्यायों के आश्रय के लिए दौड़ जाता है, परिणवन के आश्रय के लिए दौड़ जाता है, पर्याय की कामना के लिए दौड़ जाता है,
परिणमन की इच्छा के लिए दौड़ जाता है और इस परिणमन की भावना के साथ ऐसा एकमेक हो जाता है, उस पर्याय की भावना के साथ ऐसा एकमेक हो जाता है कि उस भावना के साथ बहते हुए ये भूल जाता है, अरे ज्ञानम कमल साहब, ज्ञान तो कमल की भांति निर्लिप्त है, ज्ञान तो अपने सुख आनंद कंद पिंड में स्थिर है, ज्ञान का स्वभाव तो आनंद में है, ज्ञान की ज्ञान में सत्ता तो आनंद में है, ज्ञान आनंद से हट्टा कब है? देखो भैया ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, ऐसे समझाएंगे तो बहुत मुश्किल विषय लगेगा। अच्छा ये बताओ, यदि आपको गुलाब जामुन पसंद हो और आपको उसे खाने की भौतिक इच्छा भी हो, और यदि वो आपके पुण्य उदय में ना हो लेकिन सामने रखा, आप उसे खा नहीं पाओ, आप उसे ग्रहण नहीं कर पाओ, भैया अब मुंह में रसगुल्ला नहीं आ रहा, इस अपेक्षा से आप ये कह सकते हो कि मुंह में रसगुल्ला आता है तब आनंद अधिक आता है, जब मुंह में वो गुलाब जामुन आता है तब आनंद विशेष आता है। तो भैया ये तो भौतिक आनंद की चर्चा हो गई, और ये भौतिक आनंद तो पुण्य कर्म के अधीन हो गया। यदि आपके पुण्य के उदय में वो गुलाब जामुन का संयोग आपकी रसना इंद्रिय तक जाने का है, यदि उस रस को इस पुद्गल जिभ्या के रस से मिलके यदि एकमेक होने का संयोग है तो आप उस आनंद को पुण्य के उदय से प्राप्त कर सकते हो, ये तो पुण्याधीन अवस्था हो गई ना, पूर्ण रूपेण पुण्य की पराधीनता हो गई ना, कि यदि वो पुण्य है तो आनंद है और यदि पुण्य नहीं है तो आनंद नहीं, तो अर्थात ये आनंद तो पराधीन हो गया ना, पुद्गल के आश्रित हो गया ना, पुण्य के उदय के आश्रित हो गया ना, यदि पुण्य उदय नहीं होगा तो वो आनंद नहीं आ सकता। ठीक है भैया, अब आत्मा तो पुण्य और पाप से परे है, ये जो आत्मा है ये तो पुण्य और पाप से परे है, ये जो ज्ञान में अपनी ज्ञायक सत्ता है इसमें तो ना पुण्य है ना पाप है, इसके आनंद में इसके आनंद को प्राप्त करने के लिए ना आपको शुभ कर्म करना है ना शुभ कर्म करना है, इसके आनंद को चखने के लिए ना आपको किसी प्रकार की कोई बाहरी क्रिया करना है ना आपको कोई बाहरी क्रिया छोड़ना है, फिर इस आनंद रस कंद पिंड अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का रस चखने के लिए तो आपको एक ही काम करना भी है, क्या कार्य करना है कि आपकी दृष्टि इस पुद्गल परिणमन से पलटे, आपका उपयोग इस पुद्गल पर्याय के आश्रय मन वचन काय बुद्धि के आश्रय से पलटे और मैं अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव हूं, मैं चैतन्य में निराकार तत्व हूं, मैं वो ध्रुव वरती हुई चेतना हूं, आपका अवलंबन अपने स्व स्वभाव के आश्रय रूप हो तो आपको वो सुख वो आनंद वो अनुभूति वो शुद्ध तत्व का प्रकाश वो स्वानुभूति में शक्ति वो कभी भी प्रकट हो सकती है, वो निरावलंबन है, वो निराकार है, वो इंद्रिय अतीत है। अब जब वह ज्ञान वह चेतना जब वो इंद्रिय अतीत है, जब वह निराकार है, जब वह निरावलंबन है, जब वो निराश्रित है और स्वयं में स्वाधीन है, स्वयं का स्वतंत्र स्वभाव है, स्वयं की ज्ञान में ध्रुव चेतना है, अब भैया ऐसी ज्ञान में ध्रुव चेतना को अपने आनंद से कौन अलग कर सकता, ऐसी ज्ञायक ध्रुव चेतना को ऐसे रस कंद पिंड को ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने आनंद से कौन अलग कर सकता है, कौन विलग कर सकता है, कौन उससे उसका आनंद छीन सकता है, ये बताओ, कौन छीन सकता है कोई? अब आप कहोगे नहीं छीन सकता,
और यदि आप कह रहे हो नहीं छीन सकता, तो आपका आनंद किस घड़ी कम होता है आप ये बताओ। या तो आपको यह स्वीकारता में कमी है कि आप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, या तो आपको इस सत्य, इस ध्रुव सत्य के श्रद्धान में कमी है कि आप रसकंद पिंड हो, आप इन इंद्री विषय पुद्गल आवरण से बिल्कुल परे रसकंद पिंड परमात्मा हो, ज्ञान ही आपका रूप है। या तो आपको इस सत्य में स्वीकारता में कमी है, या तो आपको इस सत्य के विश्वास में कमी है कि वो रस कंद पिंड जो अंतरात्मा है, जो ज्ञान सरोवर है, वो ही मैं हूं, या तो आपको इस स्वीकारता में कमी है, तो आपका आनंद घट सकता है। तो आपको आपका जो आनंद आपके अंदर प्रकाशित हो रहा है, आपका जो अतीन्द्रिय रस आपके अंदर में झर रहा है, उसमें कोई कमी आ सकती है। सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, या तो आपको मैं ज्ञान रूप हूं इस सत्य की स्वीकारता में कमी है, और या तो इन इंद्रिय विषयों से तीव्र मोह है। उपयोग चेतन की ओर नहीं मुड़ता, ये कर्म की अवस्था। उपयोग अपने प्रसाद लगाने के बाद भी अपने आनंद स्वरूप की ओर नहीं मुड़ रहा, ये उस समय की वर्तमान कर्म धारा है। इसको कोई भी, इस जो कर्म धारा है, इस कर्म धारा के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं इस कर्मधारा के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो कर्मधारा अपनी योग्यता से प्रकट हो रही है और अपनी योग्यता से मिला रही है, उसकी कोई चर्चा मैं नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो कर्मधारा आके मिला रही है, वो तो अपना कार्य क्षेत्र पूरा करके, अपनी समय अवधि पूरा करके, वो कर्मधारा तो विलायमान हो रही है। लेकिन भैया, वो कर्मधारा तो विलायमान हो रही है, लेकिन तुम्हारी स्वीकारता कहां विलायमान हो रही है, तुम ये बताओ। बस मैं आनंद स्वरूप हूं, ये तुम्हारी स्वीकारता कहां विलायमान हो रही है? तुम उस कर्मधारा में उलझ क्यों रहे हो भगवान आत्मा? तुम उस कर्मधारा को पलटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उस पलट कर्मधारा को उलटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उस कर्मधारा में मैं ज्ञानम कमल सहावम, मैं ज्ञान में प्रकाश शक्ति हूं, तुम इस सत्य का विस्मरण क्यों कर रहे हो? भैया, अब हमने यही तो कहा कि उस समय हम अपना बल लगाते हैं, उस समय हम कोशिश करते हैं कि उपयोग हमारी ओर पलट के आ जाए, तो भैया पलटता ही नहीं है। हम उस समय बल लगा रहे हैं कि भैया उपयोग पलट के हमारे निराकार स्वभाव में आ जाए, लेकिन भैया वो आते ही नहीं है। उस समय तो कर्मों की जो धुआंधार आंधी चलती है, उस समय जो कर्मों का वेग चलता है, भैया वो तो उसमें भेज जाता है, तो भेजान दो ना, बस भेजान दो ना। उसको रोकने के लिए किसने बोला? उसको थामने के लिए किसने बोला? उसको अंकुश लगाने के लिए किसने बोला? मैं तो सिर्फ यह बोला है कि उस बहती हुई धारा में भी ज्ञानम कमल सहाय। अरे भैया, ज्ञान यदि अपने ज्ञायक स्वभाव के बोध में जागृत है, अरे एक बार यदि उसे होश आ गया, एक बार अंतर से स्वीकारता हो गई कि भैया मैं तो ज्ञानी हूं, तो बहने कौन बोल रहा है कि वो बह रहा है? कौन कह रहा है कि मैं पलटने की कोशिश कर रहा हूं? कौन कह रहा है कि मुझे पलटना है? जो ये द्वंद कर रहा है कि मुझे पलटना है, जो कह रहा है कि मुझे पलटने की कोशिश करी, जो कह रहा है कि हमने अपने पलटने का पुरुषार्थ लगाया, उससे एक बार पूछ लो कि तुम हो कौन? बस समस्या खत्म। नहीं है समझ? जो कह रहा है कि मुझे ये मन की जो धारा बह रही है,
जो कर्मों का तीव्र वेग आ रहा है, जो कर्मों की जो तीव्र अवस्था चल रही है, ये कर्मों की जो धारा निकल रही है, जो कह रहा है कि मुझे इसमें नहीं जुड़ना, जो कह रहा है कि मुझे इसके साथ नहीं बहना, जो कह रहा है कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, उससे पूछो कि तुम कौन हो। पहले उससे पूछो कि तुम कौन, आप पूछो उससे। और यदि वो कह बैठे कि मैं ज्ञान हूं, तो बस समझ जाना कि आनंद तो जहां का तहां है। इस समय आवरण का समय है, आवरण का काल है, लेकिन उस आवरण के काल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे बोध को दबा सके, उस आनंद के सरोवर को दबा सके, उस चैतन्यता के बोध को जगा सके, तुम्हारी दबा सके, मतलब तुम्हारी आत्मा की जो जागृति उत्पन्न हो गई है, तुम्हारे ज्ञान का जो शोर उत्पन्न हो गया है, उसको जगा सके, उस कर्म आवरण में इतनी लायकात नहीं है, उस कर्म आवरण में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी सशक्ति तुम्हारी ऊर्जा को दबा सके। और यदि वो तुम्हारी ऊर्जा को दबा सकता तो तुम्हें जागरण कौन दे रहा है, यदि तुम्हें कोई जागृत कर रहा है, यदि कोई तुम्हें चेता रहा है, यदि कोई तुम्हें बोध प्रकट करा रहा है, तो वो कौन है? ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, सच्चा ज्ञान है ना। अब जब वो ज्ञान है तो बस आपको वही पुरुषार्थ करना है। जब आपको जवाब मिल गया कि वो ज्ञान है जो अपने को जगा रहा है, वो ज्ञान है जो अपने को चेता रहा है, जब आपको खुद अंतर से जवाब मिल गया कि वो ज्ञान है, तो बस आपका एक पुरुषार्थ आपको करना है, भैया ज्ञान है तो आनंद है, ज्ञान है तो सुख है, ज्ञान है तो आनंद है, ज्ञान है तो सुख है, ज्ञान है तो वितरागता है, ज्ञान है तो निर्लिप्तता है, ज्ञान है तो निर्विकारता है, ज्ञान है तो पूर्ण वितरागता है, कुछ है इतने से का नाम साधना। इतना सा नहीं कर पा रहा है तो संसार, अरे इतना सा इतना सरल सा काम है तुमसे हो रहा है, इतनी सरल सी विधि यदि तुम सीख रहे हो, इतना सरल सा यदि तुम प्रयोग अपने अंतर में कर पा रहे हो, तो तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति में ज्ञानी। और यदि इतना छोटा सा चैतन्यता का बोध का काम अपने से नहीं हो रहा, तो जहां हो वहां अज्ञानी। भैया मैंने दोपहर में भी कहा था, चारों तरफ पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। अरे चारों तरफ तो छोड़ो, अपने विचारों में भी वो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, भावधारा में भी वो पुद्गल परमाणु बह रहा है, चारों ओर पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म से पूर्ण रूप पुद्गल परमाणु रूप ये जीव परिणमित हो रहा है, एक में एक दशा में बह रहा है। अब इस एक में एक दशा से यदि कोई इस जीव को मुक्त कर सकता है, तो वो सिर्फ इसका चेतन लक्षणमय स्वभाव है, स्वयं का चेतन लक्षणमय स्वभाव है, स्वयं की दर्शन ज्ञान में व्यक्तता है, स्वयं का अपना वितराग पल है, अर्थात दोपहर में कहा था स्वयं की भिक्षावती उपादान स्वभाव है, जो इसे इन सब से भिन्न कर सकता है, इसके अलावा कोई भी इसे भिन्न कर सकता नहीं है। भैया जो इसे भिन्न कर सकता है, तुम उसको ही नहीं देखोगे तो कभी भिन्न होने वाले नहीं हो। चेतना लक्षणो धम्म चेतयन्ति सदा उदे ध्यानस्य जलं शुद्धं ज्ञानं स्नान पंडिता। अरे भैया इस ध्यान रूपी आत्मस्मरण रूपी आत्मबोध रूपी इस स्मरण से अपनी चेतन लक्षण में स्वसत्ता के बोध से आप बुद्धिमान होने का परिचय तो दो। चेतयन्ति सदा बुधे, आप चेतो तो कि भैया इस पल भी जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद कंद है, वो यही बिलस रहा है। उस आनंद कंद के विलास में, उस आनंद कंद के रस में कोई कमी नहीं आ रही। वो आनंद कंद तो इस क्षण में विलास कर रहा है। भैया फिर से सुनो, शुरू से सुनो। यदि गुलाब जामुन की इच्छा पूरी करनी हो तो पुण्य चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रसना इंद्री का संयोग चाहिए, मुंह कड़वा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे निमित्त चाहिए, बहुत सारे संयोग चाहिए, बहुत सारी पर्याय की पराधीनता और बहुत सारा पर अवलंबन चाहिए।
कर्मों की पूर्ण व्यवस्था चाहिए। लेकिन भैया मैं ज्ञान विज्ञान में अदीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं, इसके लिए क्या चाहिए? अंतरात्मा से एक बार कह दो, भैया इसके लिए कोई पर्याय कोई परिणमन? जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे भगवान, उस दिन से ज्ञानी हो जाओगे, उस दिन से ज्ञाता हो जाओगे, घर में रहते हुए कमल की तरह खिल जाओगे भगवान कि मेरे स्वसुख के लिए मुझे किसी पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुख स्वाधीन, मेरी सत्ता स्वाधीन, मेरा आनंद स्वाधीन, ज्ञान का स्वभाव स्वाधीन। जहां स्वतंत्रता वर्तती है वहां चेतना निवास करती है, और जहां पर्यायों की पराधीनता पर अवलंबन का भाव प्रकट होता है वहां चेतना निवास नहीं करती, वहां अज्ञान निवास करता है। पर का अवलंबन अध्रुव की परिणति है। अध्रुव अर्थात जो शाश्वत नहीं है, जो अज्ञान है, जो मिथ्या है, जो आतत्व है, उसका अवलंबन है। लेकिन मैं तो ध्रुव हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, तत्व हूं, मुझ में मेरा अवलंबन त्रिकाल जयवंत है, इसलिए मेरा आनंद त्रिकाल जयवंत है। ज्ञानम कमल सहावम, चेतना तो कमलवत स्वभाव में ही है, उसका किसी पर्याय अवलंबन से कोई संबंध? अध्रुव की बात क्यों करते हो? अध्रुव की चर्चा क्यों करते हो? आतत्व की गणना क्यों करते हो? आतत्व जिसमें कोई सार नहीं है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पुद्गल अपने गुणों से अलंकृत है, उसका तुम्हारी जीवात्मा से क्या लेना देना? आतत्वों की चर्चा क्यों करते हो? अध्रुव ये जितनी भी पर्याय है, एक एक समय के एक क्षणवर्ती एक समय बाद पलट जाने वाली है, इन पर्यायों के पास जाते क्यों हो? इन पर्यायों में कामना क्यों करते हो? इन पर्यायों में वांछा क्यों करते हो? पर्यायों की वांछा करना तो अपराध है, लेकिन पर्यायों में वांछा करना उससे भी बड़ा अपराध है। मुझे सम्यक दर्शन आ जाए, ये पर्याय की वांछना करना तो अपराध है ही, लेकिन भैया सुन तो लो अच्छे से, पर्याय की वांछा करना तो अपराध है ही, लेकिन भैया पर्यायों में वांछा करना उससे भी बड़ा अपराध। क्या भैया क्या वांछा कर बैठे? मुझे अपना अतीन्द्रिय सुख मिल जाए, पर्याय से चाह रहे हो, परिणमन से चाह रहे हो, पर्याय परिणमन में सुख मिलेगा? अच्छा पर्याय में सुख मिलेगा? अरे भैया पर्याय तो सुखी होगी, वो उसकी योग्यता है, लेकिन भगवान मेरा सुख तो अनादि से मेरे अंतर निवास। इस स्वीकारता में इतनी कमी है भैया, इस स्वीकारता में इतनी कमी है कि इस सत्य पे तुम उछल नहीं सकते, और यदि इस सत्य पे उछल जाओ तो तुम्हें कोई कर्म प्रकृति दबा नहीं सकती, तुम्हें कोई अज्ञानता दबा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब भी तुम साधना करने के लिए जाओगे, हर जीव साधना करना चाहता है, मोक्ष मार्ग को साधना चाहता है। जब भी तुम साधना करने को जाओगे, यदि भव्य जीव है, आत्म साधना करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हें अपने ज्ञान को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का तारणहार तो सम्यक ज्ञान ही, मोक्ष मार्ग का पालनहार, मोक्ष मार्ग का तारणहार तो सम्यक ज्ञान ही है। भैया यदि सम्यक ज्ञान को लेने जाओगे, सच्चे ज्ञान को लेने जाओगे, कहां मिलेगा वो? तुम्हारे ज्ञान के अंकुरण में मिलेगा, जो तुम्हारे हृदय में श्रद्धा रूपी ज्ञान का जो अंकुरण हुआ है, जो विश्वास रूपी जो ज्ञान का अंकुरण हुआ है, जो स्वस्वामी की सहकारिता रूप श्रद्धान की ज्योति के रूप में जो तुम्हारे अंतर में ज्ञान का अंकुरण हुआ है, वो ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान तुम्हें अपने हृदय अंतर आत्मा में अपनी स्वीकारता रूप बैठा मिलेगा। भैया अब जब तुम उस स्वीकारता को लेने जाओगे, ये बहुत गहरी बात हो गई,
अब कोई कोई पकड़ेगा, बाकी क्योंकि तो ऊपर से जाएगा। अब जब तुम अपने स्वीकारता को लेने जाओगे, जब तुम अपने अंकुरण को लेने जाओगे, जब तुम अपने विज्ञान स्वभाव को, अपने केवल ज्ञान के प्रकाश को लेने जाओगे, तो किसको देखोगे? मुझको या उसको? मैंने कहा था ना, हाई लेवल पे गई, कोई पकड़ेगा बाकी कोई छोड़ देगा। अच्छा, आप किसको लेने जा रहे हो? सम्यक ज्ञान। क्यों जा रहे हो? मोक्ष मार्ग की साधना के लिए। कहां मिलेगा? अपने हृदय रूपी घर में। जब जिन घर वास अवतरियो, ऊर्ध ध्यान मन लायो। कहां मिलेगा भैया? अपने हृदय रूपी गर्भ में, जहां उसका अंकुरण है। अच्छा भैया, हृदय रूपी गर्भ में उसका अंकुरण किस रूप में है भैया? सत्य श्रद्धान वीतराग स्वभाव की स्वीकारता रूप। तो भैया, अब आप किसको लेने जा रहे हो? सम्यक ज्ञान को लेने के लिए आप अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता को लेने जा रहे हो। अब आप वीतराग स्वभाव की स्वीकारता को लेने जा रहे हो, तो आप मुझे देखोगे या उसे? पर्याय को देखोगे या उस परिपूर्ण स्वीकारता को देखोगे जो आपके अंतर में? क्या हो गया भैया, क्या हो गया, क्या हो गया आपको, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है? अपनी मूर्खता कैसी आ रही है? अपनी अज्ञानता कैसी आ रही है? क्या यह तत्व का रोमांच आ रहा है? अरे भैया, जब तुम उस वीतराग सत्ता को लेने जाओगे, उस ध्रुव परम पारिणाम को लेने जा रहे हो, जब तुम्हारा उपयोग उस तत्व को उछालने जा रहा है, उस वीतराग सत्ता को उछालने जा रहा है, तो तुम यदि पर्याय की वांछा को देखोगे, पर्याय की कामना को देखोगे, पर्याय की प्राप्ति को देखोगे, परिणमन में प्राप्ति को देखोगे, तो तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे कि वो जहां निवास कर रहा है। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां वो निवास कर रहा है। आप अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाओगे, आप अपने गुप्त अंकुरण तक नहीं पहुंच पाओगे, आप अपने हृदय में विराजमान अपनी उस शुद्ध श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाओगे। आप अपने अंतरवासी, आपके घट में जो निवास कर रहा है, आप उस निवास स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। भगवान किस निवास स्थान तक भैया? जहां आप स्वयं स्वयं में वास कर रहे हैं, जहां आप स्वयं स्वयं में निवास कर रहे हैं, आप जहां स्वयं स्वयं में प्रकाशित हो रहे हैं, आप जहां स्वयं स्वयं की स्वसत्ता को भोग रहे हैं, आप स्वयं उस निवास स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहां? जहां आप अभी स्थित हैं। आप स्थित हैं या नहीं है? सच्ची श्रद्धा प्रकट करिए आत्मा, तो आप जहां स्थिर हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। कब? जब तक आप किसी भी पर्याय में किसी भी प्रकार की कामना को रखें, क्योंकि पर्याय की कामना सबसे पहले आपको परम पारिणामिक से अलग करती है, ये याद रखो। पर्याय की कामना आपकी अनंत प्रकट निधि से आपको अलग करती है। पर्याय की चाहना आपको आपकी परिपूर्णता से अलग करती है। वो ये दर्शाती है कि आपके पास कुछ कमी है, आपके पास कुछ अभाव है, आपके पास कुछ घट गया है, आप अभी अभाव में जी रहे हैं। पर्याय की कामना आपको अभाव का वेदन कराती है, अपूर्णता का वेदन कराती है, पामरता का वेदन कराती है। ये मांगता वो ही है जिसके पास अभाव का वेदन जब भी आपको होगा, स्वभाव का वेदन नहीं हो सकता। अभाव का एहसास जब भी आपको होगा, स्वभाव का एहसास नहीं हो सकता। अभाव को आप जब तक देखोगे, अभाव को आप जब तक मानोगे, आपको परिपूर्ण वीतराग सत्ता होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। मैं तो ये कहता हूं कि भव्य आत्मा, यदि आपको सम्यक श्रद्धा है, तो वो तो आपके गर्भ में होते हुए आपको नहीं दिखेगी।
यदि आपको ध्रुव की दृष्टि प्रकट है, आपने शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव किया है, आप तत्व के अनुभव से संपन्न है, तो आपके अंतर में गुप्त, आपके हृदय में गुप्त होते हुए वो आपको नहीं दिखेगा जो आपके अंतर में है। कारण बस भैया अभाव में जीना। और इस जीव ने तीन काल में सिर्फ एक ही अपराध किया है कि अपनी चेतना के अभाव में जिया है, जिसे जिसके सद्भाव में जीना चाहिए उसके अभाव में जिया है। और भैया जिस पुद्गल से कुछ मिलता नहीं, जिस पुद्गल से आज तक कुछ निकला नहीं, जिस पुद्गल ने आज तक इस जीव को कुछ दिया नहीं, उसके सद्भाव में जिया, पर्यायों के सद्भाव में जिया, पर्यायों की कामना के सद्भाव में जिया, इंद्रिय विषयों के सद्भाव में जिया, बस नहीं जिया तो अपने ऊर्ध्व स्वभाव के सद्भाव, अपने चेतना के सद्भाव में जीना भूल गया, अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना के सद्भाव में जीना भूल गया है, अपनी परिपूर्णता के सद्भाव में जीना भूल गया है। अरे ज्ञान का स्वभाव अद्विति है, अद्भुत है और परिपूर्ण है। ज्ञान अपनी परिपूर्णता से, अपनी पूर्ण शक्ति से कभी अभाव रूप नहीं होता। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत। ज्ञान ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम। भैया जिस ऊर्ध्व सत्ता का, जिस केवल ज्ञान में स्वभाव का, जिस परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव का आदि निधन सद्भाव इस चेतना में है, अनादि निधन सद्भाव इस जीव में है। भैया आचार्य तारंतरण देव कह रहे हैं उस सद्भाव में जीने का नाम ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ऊर्ध्व रूप आचरण करना है, अर्थात सम्यक ज्ञान में आचरण करना है। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। ज्ञान का स्वभाव क्या है? शाश्वत, ध्रुव, वीतराग में, चेतन में परिपूर्ण, जो कभी अभाव रूप नहीं है इस चेतना में। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा के सद्भाव रूप गुण है। वेदन करना आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। सुख आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है। भैया ये आत्मा का अपनी स्वचेतना का सद्भाव है, स्वयं की चेतना का सद्भाव है। अब इस सद्भाव को छोड़ के यदि आप किसी भी प्रकार के अभाव की भावना में जाते हैं, आप परिपूर्णता की भावना में जाते हो, आप परिपक्वता की भावना में जाते हो, तो भैया ज्ञान का जो कमल स्वभाव है वो आपकी दृष्टि से ओझल हुए बिना नहीं रहे। भैया आपने जिनेंद्र भगवान की एक घोषणा को सुना या नहीं सुना कि जैसा शुद्धार्थ अनुभूति का रसस्वादन आवृत्ति श्रावक करता है, वैसे ही शुद्धार्थ अनुभूति का रसस्वादन सिद्ध भगवान करते हैं। इस उद्घोषणा को सुना या नहीं सुना? आपने सुना है? जैसे अनंतानंतानंत गुणों में विलास, शाश्वत सिद्ध स्वरूप में विलीन सिद्ध भगवान अपने सिद्ध स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, वैसा ही बिल्कुल वैसा ही अनुभव यह आवृत्ति, इस संयोगी भूमिका में रहने वाला यह श्रावक वैसा ही परिपूर्णता का वेदन इस भूमिका में करता है। अब भगवान अब आप वो शक्ति बता दो मुझे, अब आप मुझे उस सत्ता से मिला दो, आप अब मुझे उस शोर से मिला दो, अब आप मुझे उस स्थान से, उस शक्ति स्वरूप परमात्मा से मिला दो जो इस भूमिका में बैठे हुए सिद्ध के अनुभव कर रहा है, उससे मिला दो आप मुझे। कौन है वो? अरे इतना सुन के भी यदि तुम्हें अपने अंतरात्मा का बहुमान नहीं आता, अपनी चेतनता का बहुमान नहीं आता,
अपनी ध्रुवता का बहुमान नहीं आता, तो भैया कौन सी देश में लेके आओगे तुम भगवान के लिए? अरे भगवान वो तुम्हारे अंतर में प्रकट तुम्हारा ही सिद्धांत तो है जो तुम्हें इस क्षण सिद्धों जैसा विदन करवा रहा है, सिद्धों के समान तुम्हारे गुणों को, सिद्धों के समान तुम्हारी पूरी संपदा को तुम्हारे अंदर में प्रकट करा है, तुम्हारे अंतर में उजागर करके बैठा है। वो तुम्हारे स्वानुभव तो है, वो तुम्हारी आत्मा का वेदन तो है। यदि तुम इस शक्ति को, इस सूर्य को, इस सत्य को यदि गौण करते हो भगवान, तो तुम अपनी प्रभुता को ही तो गौण करते हो, अपनी निज प्राप्त निधि को ही तो गौण करते हो, अपनी अंतर में बरतती हुई वीतरागता को ही तो गौण करते हो, अपने अंतर स्व अनुभव में प्रकट अपने निराकार चेतन स्वभाव को ही तो गौण करते हो। भैया अभाव में जीना सबसे बड़ा अपराध है, और वो भी किसके अभाव में? अपने अभाव में। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव हूं, तो मैं मेरे अभाव में जी रहा हूं। आश्चर्य नहीं लगता कभी कभी? मैं सुख कंद हूं, मैं सुख के अभाव में जी रहा हूं। मैं आनंद कंद हूं, मैं आनंद के अभाव में जी रहा हूं। मैं अनंत दर्शन अनंत ज्ञान हूं, मैं दर्शन ज्ञान के अभाव में जी रहा हूं। अरे मैं चारित्र में हूं, मैं अपने आत्मा के वेदन के अभाव में जी रहा हूं। ये विपरीतता कैसे संभव होती है भगवान, इतना सा बता दो बस। ये विपरीतता कैसे संभव होती है भगवान? खत्म बात। इतने सालों से सिर्फ श्रद्धा की चर्चा सुनने के बाद, गुरुदेव की वाणी में मात्र शुद्ध तत्व की महिमा सुनने के बाद, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व सुनने के बाद भी यदि आज भी तुम्हारी श्रद्धा ही कमजोर है, तो भैया इतने दिन से क्या हो रहा है? कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा? कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा? खुलो भगवान, खिलो अपने स्वाभिमान और अपने पुरुषार्थ को बिल्कुल उछालो। जब तक अपने स्वाभिमान को नहीं उछालोगे, जब तक अपने अंतर बहुमान को नहीं उछालोगे, जब तक अपनी चेतना में उछाल नहीं दोगे, छलांग नहीं लगाओगे, तब तक भगवान इन सल्यों से, इन शंकाओं से, इन पर्याय की पराधीनता से तुम छूट नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारा ज्ञान स्वतंत्र होकर विचरण नहीं करेगा, तब तक ज्ञानी कैसे हो पाओगे भगवान? ज्ञानी का स्वभाव आनंदमय है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आनंद। भैया पर्यायों के समान नहीं करता होगा, हो जाती है वो, परिणमन में अपने आप को बहने से नहीं रोकता होगा। अरे भैया परिणमन बहता हुआ दिखता है, वो तो अपने आप को थमा हुआ देखता है। अब जब वो थमा हुआ देखता है, तो जितनी करणधारा रहती उतनी बहती है, वो ज्ञान तो बहता ही नहीं है, वो तो वही थमा रहता है। नहीं आई होगी ये बात समझ में? भैया वो करणधाराओं के बीच में अपने संभाल नहीं करता क्या? अरे भैया संभाल तो वो करेगा जो बहा हो। संभाल तो वो करेगा जो बहा हो, संभाल तो वो करेगा जो बह के चला गया हो, संभाल तो वो करेगा जो छूट गया हो। भैया जो छूटे ही नहीं, जो स्थिर ही रहा, जो गायक ही रहा, जो आनंद ही रहा, जो शुद्ध ही रहा, अब उसे क्या संभाल करवाओगे? वो पुद्गल के साथ गए ही नहीं, जो परिणमन के साथ गए ही नहीं, जो अभाव में हुआ ही नहीं, जिसे अपने सद्भाव का बोध बना रहा, अब उससे क्या क्या संभाल करवाओगे? भैया संभाल तो उससे करवाई जाती कि जो जाता तो खींच के लाते, जाता तो पकड़ के लाते, लेकिन अब कोई गया ही नहीं। जो स्थिर ही रहा, जो तत्व ही रहा, जो ध्रुव ही रहा, अब उससे क्या संभाल करवाओगे आप ये बता? वे स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? पागलपन की बातें मत करो। तो स्वच्छंदी वो होते जो चेतनता को भूले होते, स्वच्छंदी वो होते जिन्हें अपने आत्मा का रस कम हुआ होता, जिनकी दृष्टि से तत्व ओझल हुआ होता। भैया जो पर्याय की संभाल के नाम पे अपने तत्व को विस्मृत कर रहे हैं, स्वच्छंदी तो वो है
जिन्हें तत्व का भान नहीं है और क्रियाओं का ढेर लगा रहे हैं, परिणमन की समान की भावनाओं में पागल हुए जा रहे हैं। स्वाक्षंदी तो वो है जिनके हृदय में ये रत्नत्रय प्रकट नहीं है लेकिन व्यर्थ में अपने सर पटक रहे हैं। स्वाक्षंदी तो वो है भैया, वो परिणाम संभाले। क्यों संभाले? क्योंकि वो परिणाम संभालेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा कम से कम, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो है नहीं। यदि उन्हें परिणाम नहीं संभाले तो उन्हें जाना तो निगोद है। विशाल यदि कुछ सोच रहे हो, उन्हें जाना तो निगोद है, उन्हें जाना तो निगोद है, तो परिणाम के संभाल करें। क्यों? इसलिए परम संभाल करें कि भैया एक दो भाव सुगति मिल जाए, अशुभ कर्मों का आश्रम ना हो, अशुभ कर्मों का बंध ना हो, अशुभ कर्म अंतर सत्ता में ना आ जाए। अरे भैया, लेकिन जिन्हें परिणामों से पार परम पारिणामिक ध्रुव गायक तत्व अपनी दृष्टि में दिख रहा हो, स्व तत्व की स्थिरता दिख रही हो, उन्हें तो गतियों का और दुर्गतियों का कोई भय नहीं है, क्योंकि उनके 58 लाख तो पहले छिड़ हो गए। उन्हें दुर्गतियों का भय नहीं, उनका सम्यक रत्न तो उनसे गारंटी देके बैठा है कि तुम देव और मनुष्य के अलावा कहीं जाओ भी नहीं। अब उन्हें परिणामों की चिंता कहां है? ऐसा नहीं कि वो परिणाम क्रोध मान माया लोभ में डूबे हुए हैं। उन्हें क्रोध मान माया से संबंध कहां है? वो तो बह ही नहीं रहे, अर्थात उनकी स्वीकारता में तो कोई चल विचल पना तो आ ही नहीं रहा। और जो स्वीकारता में चल बत, जिसके स्वीकारता में, जिसके ज्ञान में चल मल अगाड़ दोष नहीं लग रहा है, अर्थात कम लग रहे हैं, चल मल अगाड़ दोष से जो हिलता नहीं है, जो चल मल अगाड़ दोष में कंपायमान नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, विभ्रम संचय आदि दोषों के कारण भ्रमित नहीं होता, भैया वही तो ज्ञानी होता है। ये नहीं कह रहे ये दोष उदित नहीं होते, लेकिन इन दोषों के उदय होने काल में जिसे कोई कोई भय उत्पन्न नहीं होता, जिसे कोई अज्ञानता भारी भूत नहीं होती, जिसे कोई परिणमन की धारा भारी भूत नहीं होती, जिसे विश्वास है कि भैया मैं तो अचल ध्रुव केवल ज्ञान में शाश्वत चेतना ही, जिसके अंतर से आवाज निकल जाए कि वो शाश्वत चेतना ही मैं हूं, बस समझ लो वो ज्ञान है। क्योंकि इस सत्य को कहने के लिए, इस सत्य को उच्चरित करने के लिए पूरा का पूरा बल चाहिए, पूरी की पूरी शक्ति चाहिए। यदि थोड़ी सी भी शक्ति में कमी आई, थोड़ी सी भी स्वीकारता में कमी आई, या तो मन पटक देगा या बुद्धि पटक देगी। पर्याय तो सबसे बड़ा ग्रहण है भैया, अभाव पर्याय की कामना, अभाव की भावना सबसे बड़ा ग्रहण है जो तुम्हें ही केवल ज्ञान में सत्ता को आवृत करके बैठा। भैया आचार्य भगवंतों की करुणा तो देखो, उनकी कृपा तो देखो, वो सीधा कहते हैं जैसा वो अनुभव कर रहा है वैसा अनुभव तू कर रहा है भगवान, जैसे गुण वहां प्रकाशित हो रहा है वैसे गुण तुझमें प्रकाशित हो रहा है, जैसा स्वानुभव श्रद्धा अर्थात तुम्हारी ज्ञान में अभी आ रहा है वैसा आनंद का वेदन वहां हो रहा है, अर्थात तुम्हारे पुरुषार्थ में उनके पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं दिखा रहे, कोई अंतर नहीं दिखा रहे। और अपन अभाव मान मान के पगला रहे हैं, अपन अभाव मान मान के पागल हुए जा रहे हैं कि हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है। कभी ये ही नहीं कहते कि हम तो परिपूर्ण गया भगवान आत्मा है, कभी यही नहीं कहते हम तो ध्रुव भीतराग पद वाले हैं, कभी यही नहीं कहते कि पूर्ण केवल ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव तो परिपूर्ण ही है, ज्ञान में अधूरेपन जैसी कोई बात, हमेशा पर्याय, हमेशा पर्याय, हमेशा पर्याय, हमेशा परिणमन। अरे कभी ये भी तो कहो कि परम पारिणामिक जयवंत है, साधना का आधार, साधना का मूल, मोक्ष मार्ग का मूल अपना परम पारिणामिक भाव है। ये अभाव तो थोड़ी देर की कल्पना है भगवान, ये अभाव रूप पर्याय तो, ये अभाव रूप दशा तो थोड़ी देर का परिणमन है, थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। थोड़ी ही देर बाद
जिसे आत्मा का श्रद्धान हुआ है, जिसे अपने वीतराग पद का वेदन हुआ है, उसे थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो ये सारे अभाव नहीं दिखेंगे उसे, उसे एकमात्र अपना ध्रुव प्रकाश मात्र दिखेगा। भैया ये अभाव वर्तमान पर्याय का दोष है, वर्तमान परिणमन का दोष है, और इस परिणमन के दोष को जो देखता है वो पर्याय दृष्टि कहलाता है। इतना सुनने के बाद भी नहीं जागे ना, समझ लो पत्थर ही बैठे आज। ये पर्यायगत दोष है, ये अभाव रूप जो बात चल रही है, ये अभाव रूप जितनी भी स्थिति है ये पर्यायगत दोष है, ये आत्मा का दोष नहीं है। लो संकल्प कि जितना भी अभाव दिख रहा है, जितनी भी कमी दिख रही है, जितनी भी कामना दिख रही है, जितनी भी पर्याय की पामरता दिख रही है, वो पर्यायगत दोष है, आत्मा का दोष नहीं है, वो ज्ञान का दोष नहीं है, वो परिपूर्ण सत्ता का दोष नहीं है, वो वर्तमान पर्याय का अभाव है। लेकिन वर्तमान पर्याय का अभाव है, वर्तमान पर्याय में अभाव है, लेकिन मेरी ज्ञाया ज्ञान में सत्ता में कोई अभाव नहीं है, मेरी परिपूर्णता में कोई अभाव नहीं है, मेरे ज्ञान में कोई अभाव नहीं है, और मेरे अनुभव में कोई अभाव नहीं है। अभाव है तो मात्र पर्याय में। अरे ज्ञान तो पूर्णता से प्रकट होता है, वो तो पूर्ण है ही। श्रद्धा ज्ञान में होने वाला आचरण है, श्रद्धा ज्ञान में बढ़ने वाली वीतरागता है, श्रद्धा ज्ञान में बहने वाला रक्त है, संचार है, जो ज्ञान को अपने ही दर्शन में बांध के रखता है। श्रद्धा को दर्शन कहते हैं, और दर्शन निर्विकलता का कारण है, दर्शन उपयोग का कारण है। तो भैया ये ज्ञान जो है वो अभेद है आत्मा से। हाँ, बात आप जिस अपेक्षा से कह रहे हो कि ज्ञान तो स्वतंत्र स्वाधीन है, ज्ञान में सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा का भी भेद नहीं है, इस अपेक्षा से यदि आप अपनी बात कह रहे हो तो सही। ज्ञान तो ज्ञान है भैया, ज्ञान की मस्ती तो ज्ञान में है, ज्ञान ही तो मात्र ज्ञान में है, उसे सम्यक और मिथ्या से भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन भैया ऐसे ज्ञान में सत्ता का विश्वास यदि आपके अंतर में हो तो, यदि ऐसे ज्ञान में जीना आप जानते हो तो सम्य को मिथ्या से भी कोई संबंध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जहां ज्ञान प्रकट है वहां मिथ्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतना लक्षण है। ज्ञान को तो वही जानता है जो सम्यक्ति होता है, नहीं तो ज्ञान का परिचय किसको है, ज्ञान का बोध किसको है। हाँ, एक बार ज्ञानी होने के बाद फिर मिथ्या और सम्यक परिणमन से कोई संबंध नहीं रह जाता, कि परिणमन मिथ्या में हो या सम्यक में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ज्ञानी की दशा है। भैया मैं अपने विषय पे वापस आ रहा हूं, क्या कि यदि ऐसी अंतर आत्मा की परिपूर्णता का सद्भाव होने का, अपने अंदर में परिपूर्णता की सद्भाव होने का यदि वो विश्वास आपके अंदर नहीं पनप रहा, आज ही पर्याय की पामरता दिख रही है, आज भी पर्याय की में अभाव पना दिख रहा है, आज भी पर्याय की नाना प्रकार की परिस्थितियां तुम्हारी दृष्टि में है, तो भगवान हे भगवान तुमने स्वीकार किसको किया है ये तो बताओ। पर्याय को तो अनादिकाल से स्वीकार कर रहे थे, यदि अभाव को ही स्वीकार करना था तो मोक्ष मार्ग में क्यों आ गए। यदि पर्याय को देख के ही आगे बढ़ना था, पर्यायों के नाम पे ही रोना था, पर्यायों को ही घिसना था, भैया फिर मोक्ष मार्ग में काहे को आ गए। संसार में तो अच्छे घिस रहे थे, संसार में तो अच्छी चल रही थी पर्याय की परिणमन की, अब जब मोक्ष मार्ग में आ ही गए हो, स्वानुभूति को प्रकट कर ही लिया है, सिद्धो समान वेदन को उत्पन्न कर ही लिया है, भैया अब पर्याय के अभाव में जीना। देखो भैया वर्तमान पर्याय तो आप कह दो भैया सिद्ध भगवान जैसी नहीं है, कोई बात नहीं, हम भी मान लेंगे, हम थोड़ी ना आगम के विरुद्ध जाएंगे। आप कह दो वर्तमान की पर्याय पामर है, मान लेंगे, लेकिन भैया स्वभाव तो परिपूर्ण है ना,
परम पारिणामिक तो पूर्ण है ना, ज्ञान तो परिपूर्ण है ना, ज्ञान तो केवल ज्ञान में है ना भैया। जब ज्ञान परिपूर्ण है, ज्ञान केवल ज्ञान में है, तो तुम्हें अभाव दिखते क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आता। तुम्हें तो स्वभाव दिखना चाहिए, तुम्हें तो सद्भाव दिखना चाहिए, तुम्हें तो पूर्णता दिखना चाहिए, अपने को तो पूर्ण प्रकाश दिखना चाहिए। अभाव पर दृष्टि क्यों जाती है, स्वभाव पर दृष्टि क्यों नहीं जाती? और जब तक अभाव पर दृष्टि है तब तक आनंद में कमी है। ये चर्चा का पूर्ण सार, जब तक अभाव पर दृष्टि है तब तक दुख है और आकुलता है, और जहां स्वभाव पर दृष्टि है वहां आनंद है और सुख है। हर पल आनंद है, हर पल सुख है, हर पल ज्ञान अपने ज्ञायक में बिलस रहा है, हर पल ज्ञान अपने निर्विकार में बिलस रहा है, हर पल ज्ञान अपने निर्लिप्तता में बिलास कर रहा है। उसका किसी पर पर्याय से कोई संबंध? बस भैया, यदि ऐसी स्वीकारता आप अंतर हृदय से करने में सामर्थ हो, सिर्फ स्वीकारता बोल रहा हूं मैं बस, तो आप हर पल जागृत रह सकते हैं। जागृति का मतलब होता है क्या? चैतन्य का बोध, ज्ञान का बोध। जो आपको बार बार चेताता है वो ज्ञान है, जो बार बार आपको जगाता है वो ज्ञान है, जो बार बार आपको स्वामी जाने के लिए संबोधित करता है वो ज्ञान है। श्रद्धा के अंकुरण के कारण से बार बार जो आपको आनंद की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है वो ज्ञान है, जो बार बार जिन वचनों के चिंतन की ओर आपको ले जाता है वो ज्ञान है, जो बार बार आत्मा की सुरति प्रतीति की ओर आपको ले जाता है वो ज्ञान है, जो बार बार आपसे कहता है कि अपना हित अपने निज अंतर में है वो ज्ञान है। भैया, ऐसा अंतर बल यदि आपके पास है, उसके बाद भी यदि आप उसका बहुमान नहीं करते, तो आप प्रकट सत्ता के अभाव में जीते। और यदि आज आपको इसका बहुमान आ जाए तो आपका पुरुषार्थ 10 गुना हो जाए। यहीं बैठे बैठे सिर्फ आपकी स्वीकारता कमजोर है, इसलिए आपका पुरुषार्थ दबा हुआ है। आपकी स्वीकारता वजनदार हो जाए तो आपका जो पुरुषार्थ है, यहीं बैठे बैठे दिन दोगुना, रात चौगुना और हर पल 10 गुना। भैया, अपनी प्रकट निधि को जो देखने की शक्ति रखता है वही तो ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानेन ज्ञान वीर्धम, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। अभाव को देखने से, अच्छा ही बता, अभाव को देखने से कब तक स्वभाव प्रकट होगा? पर्याय को देखने से कब तक पर्याय शुद्ध होंगी? परिणमन की स्वीकारता करने से कब तक परिणमन बदलेगा? या अभाव को देखने से कभी पूर्णता होने वाली नहीं है। और जहां से कुछ मिलना ही नहीं है भैया, वहां अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैं परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव हूं, ज्ञान मात्र सत्ता हूं, चेतन मात्र सत्ता हूं, पर पुद्गल से भिन्न निराकार परमात्मा हूं। एक बार इस चेतनता के सद्भाव को अपने अंतर में स्वीकार करो, आज अभी इस क्षण मुक्ति का वेदन करो ना भगवान। आज इस समय इस क्षण अपने अंतर में अपने स्वपद का अनुभव करो ना भगवान, कि मैं तो वो चैतन्य में पिंड आत्मा ही हूं जिसमें कभी कोई अभाव है। कोई अभाव, कोई कमी है? सही में नहीं है। जब कोई कमी नहीं है, जब कोई अभाव नहीं है, तो कोई भय नहीं है और कोई शल्य नहीं है। भैया, जब तक जीव भयभीत है, जब तक जीव को भय है, तब तक ही संसार, तब तक ही ज्ञान दबा हुआ है, जब तक ही ज्ञान मूर्छित है। और जहां जीव निडर है, अभय है, निशंक है अपने ध्रुव स्वभाव में, बस वहीं से मोक्ष मार्ग का आरंभ है, वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। जहां आपके भय बिलाए, वहां अभय स्वभाव की प्रकटता है। और जहां निशंक अपना ध्रुव स्वभाव प्रकट है भैया, वहां वीतरागता को उत्पन्न होने में ज्यादा देर लगती। अब तो स्वीकार कर लो भैया, अब तो बहुत समय हो गया, अब बहुत समय निकल गया, अब तो भैया जाति जाति की बेला है, अब तो श्रद्धान भी हो गया, अब तो तुम्हें अंतर से अनुभव भी हो गया,
अब तो यहाँ अधिकतर जीव जितने बैठे हैं सब आत्मानुभूति संपन्न है, सब श्रद्धा से संपन्न है। जब तुम श्रद्धा से संपन्न हो, जब तुम आत्मानुभूति से संपन्न हो, सम्यक जैसे रत्न को प्रकट करे हुए 10-10, 12-12 साल बीत गए भगवान, अब क्या बचा तुम्हारे जीवन में आनंद और सुख के अलावा, अपने अनंत गुणों की प्रकटता के अलावा, अपनी शाश्वत चेतना की वीतराग पथ की प्रकटता के अलावा अब रह क्या गए अपने हृदय में? स्वानुभूति तो है भगवान, सत्य तो है भगवान, आनंद ही तो है भगवान, मस्ती ही तो है, इसका नाम है साधना। इसलिए भैया साधना का विकल्प बिल्कुल मत करना। साधना अर्थात बोध, जागृति, चेतनता, इसका नाम ही है साधना। धीरे धीरे बढ़ती है ये बोध, धीरे धीरे बढ़ता है ये बोध, धीरे धीरे प्रफुल्लित होता है ये जागरण, धीरे धीरे उठता है अंतर से। लेकिन भैया वो जो धीरे धीरे उठता है ना, वो जो धीरे धीरे बढ़ता है ना, वो ही धीरे धीरे विकसित होते होते एक दिन पूर्ण केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो जाता है। इसलिए उसकी मंद गति से भयभीत मत होना कि भाई कितना धीरे धीरे उठ रहा है, कितना धीरे धीरे उठ रहा है, उसकी मंद गति से डरना मत, बल्कि उसकी मंद गति में जो उसकी परिपूर्णता है, जो उसके एक अंश में भी उसकी पूर्णता है, जो उसके एक समय के अंकुरण में भी उसकी पूर्णता है, जो एक बिंदु में भी पूरा सिंधु समाया हुआ है, उस सिंधु का बहुमान करना, उस केवल ज्ञान में सत्ता का बहुमान करना, तो भैया उसकी मंद मंद गति भी अनंत आनंद का, अनंत सुख का कारण बन जाएगी, अनंत निर्भयता का कारण बन जाएगी, अनंत अपने स्वस्वभाव में निशंकता का कारण बन जाएगी। भैया जब वो निशंकता का कारण बन जाएगी तो भैया तुम ज्ञानी हो जाओगे और ज्ञानी अवस्थाओं से परे। बस भैया आज के लिए इतना ही विशेष है कि ज्ञानम कमल बोली आचार्य सदग्रवत अनंतरम लाचार्य जी महाराज की जय।